खरगोन जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल गुरुवार को दोपहर करीब 1 बजे खरगोन पहुंचते ही सीधे उपद्रव प्रभावित क्षेत्र में पीड़ितों से मिलने पहुंचे। प्रभारी मंत्री ने तालाब चौक, मोतीपुरा, संजय नगर, भाटवाड़ी मोहल्ला सहित अन्य क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान पीड़ितों ने प्रभारी मंत्री को उपद्रव के दौरान हुई घटना व नुकसान की विस्तृत जानकारी दी। प्रभारी मंत्री ने पीड़ितों से कहा कि अपने हर नुकसान की जानकारी सर्वे में हमें दीजिए, सरकार अभी आपको सहायता देगी और यह पूरी राशि दंगाइयों से वसूली जाएगी। इसके लिए हमने एक कानून बना दिया है, उपद्रव करने वालों का कोई जाति, धर्म या पार्टी नहीं होती, इसलिए उनके साथ किसी भी तरह की रियायत नहीं बरती जाएगी। कानून में जो भी सख्त से सख्त सजा होगी वह दिलवाने का प्रयास किया जाएगा। प्रभारी मंत्री मौके पर उपस्थित कलेक्टर अनुग्रह पी को शासन से विस्तृत सहायता राशि तुरंत पीड़ितों के खाते में देने के निर्देश दिए। वहीं एसपी रोहित काशवानी को निर्देशित किया कि किसी भी आरोपित को छोड़े नहीं, कड़ी से कड़ी कार्यवाही करें। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। दौरा किया, क्या कहना चाहूँगा, घटना है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। और इसलिए मैंने कलेक्टर और एसपी और सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि दंगाई, आगजनी करने वाले, लूटपाट करने वाले, अनाचार करने वाले, क्योंकि न कोई जाति होती, न कोई पार्टी होती, न कोई धर्म होता, दंगाई दंगाई है, अपराधी अपराधी है, और इसलिए सख्ती से अपराधियों से, दंगाइयों से, लुटेरों से निपटा जाएगा और ऐसी सजा दिलाएंगे कि कभी दोबारा हिम्मत नहीं करें अपराध करने। आपसे लोग मिले, क्योंकि आज जो बताया गया कि 4-4 बार घटनाएं हो गई, लेकिन पहले व्यवस्थित कार्रवाई हो जाती तो आज ये घटना नहीं होती। ये पब्लिक की हर महिला ने बोला, हर आदमी ने बोला, और उसके मैं सख्ती से प्रशासन को निर्देश दूंगा, अभी दे रहा हूँ। पहले तो सबसे पहले इनका सर्वे कर रहे हैं, गरीब लोग हैं वो खाने के व्यवस्था समाज कर रही है, शहर के लोग समाज से भी कर रहे हैं, सरकार ने भी, प्रशासन ने व्यवस्था की, अभी उनके दोनों टाइम के भोजन और बाकी व्यवस्था, पढ़ाई वढ़ाई बच्चों की पूरी सहायता करेंगे, पूरे जो मकान जिले हैं सब पूरे सरकार उसका आकलन करके उनकी क्षति की पूर्ति करेगी। फिर जिन दंगाइयों ने, अपराधियों ने आग लगाई है उनकी संपत्ति से वसूल की जाएगी उनसे। देखिए अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई हो सकती है कार्रवाई की जाएगी। एसपी और फायर करने वाले अभी भी फरार हैं और अभी गिरफ्त में नहीं है, करेंगे पकड़ेंगे, कहाँ जाएंगे, जमीन के अंदर धस जाएंगे, आसमान जहाँ भी होंगे निकाल के लाएंगे और उन पर कार्रवाई करेंगे। एक बेटी नहीं, जो भी, सब भी बेटियाँ हमारी बेटियाँ हैं। शहरवासियों में इस बात का आक्रोश है, परिवार बर्बाद हो गया, सब सम्मान संपत्ति चली गई, कोई नहीं, जिसका कोई नहीं उसकी सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, कमल पटेल प्रभारी मंत्री के नाते मैं पालक मंत्री हूँ, हम उनकी सारी व्यवस्था करेंगे मंत्री, और पूरे व्यवस्था जमाएंगे, ऐसे ही व्यवस्था करेंगे कि आगे से ऐसी घटना दोबारा कभी भी खरगोन में या कहीं भी ना हो। मंत्री, ऐसा सबक सिखाएंगे अपराधियों को, दंगाइयों को, एक तरह से ये आतंकी हैं, जिन्होंने पूरा आतंक बचाकर लोग घर छोड़ने को तैयार हो गए, मोहल्ला छोड़ने को, शहर छोड़ने को तैयार हो गए, कई तो घर वाले आ नहीं रहे। तो इस प्रकार आतंक करने वालों को ही नेस्ता नाबूद कर, किस प्रकार की सुरक्षा दी जाएगी, लोग घर पलायन की बात कर रहे हैं, नहीं, इनको हर प्रकार की, यहाँ पर पुलिस की व्यवस्था की जाएगी, ड्रोन कैमरे की व्यवस्था की जाएगी, सीसी कैमरे लगाए जाएंगे, यहाँ पर गश्त दी जाएगी और जो अपराधी उनको जेल के अंदर रहेंगे ना, बाहर नहीं आने देंगे, सजा दिलवाएंगे। स्थायी चौकी की मांग पिछले 5 साल से की जा रही है, वो भी करेंगे, सारी व्यवस्था करेंगे ताकि आइंदा दोबारा यहाँ घटना ना घटे। नजर बनेगी, मैं कह रहा हूँ ना कि ऐसी व्यवस्था, ऐसे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।